love. My new skincare routine. हेलो हबीबी, गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पानी भी नहीं लेके जाएंगे। अभी भी हम उसी रिजॉर्ट के अंदर है और ये आप देख रहे हो यहाँ का स्विमिंग पूल। भाई मस्त लेके जा रहा है ये तो। सही तो चला रहा ना। टोटल इस रिजॉर्ट के अंदर 3 स्विमिंग पूल है ना। शुक्राना हबीबी। जैसे एक स्विमिंग पूल यहाँ पे हो गया, ये थोड़ा इन्फिनिटी, और इसका जो व्यू है एकदम डेड सी के सामने है। जो सामने आप समुंदर देख रहे हो दैट इज डेड सी, और ये इधर। जैसे आप डेड सी के अंदर फ्लोट करने या स्विम करने जाओगे, होटल वाले आपको एक ये टॉवल दे देंगे। उधर रह गए अलग अलग रिजॉर्ट, और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद आ जाएंगे पब्लिक बीच। जब मैं पिछली बार जॉर्डन आया था तो मैं किसी रिजॉर्ट में नहीं रुका था। मैं हिच हाइक करके पहुँचा था पब्लिक बीच के ऊपर। वहाँ पे लगभग 1-1.5 घंटे मैंने स्विमिंग की, और वहाँ पे पास में एक हॉट स्प्रिंग पड़ता है। उस हॉट स्प्रिंग से नीचे पानी आता है। ऊपर आया, साबुन वाबुन लगा के उस हॉट स्प्रिंग के पानी से नहाया, एकदम सारा नमक निकाल के, और फिर चला गया था मैं अम्मान की तरफ। ये अब लिखा आ रहा है, यू आर एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ 420 meters बिलो सी लेवल। अगर इस एरिया में समुद्र का पानी आ जाएगा तो हम 450 meters नीचे रहेंगे समुद्र के पानी से। बहुत गहरा पॉइंट है ये। सामने जो आपको दिख रहा है वो है पैलेस्टाइन, बीच में है डेड सी। अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो उधर आ जाएगा इजराइल, और इस साइड है जॉर्डन, और इससे भी थोड़ा आगे जाएंगे तो आ जाएगा सऊदी। मेरे को ऐसा लगता है कि कभी डेड सी और रेड सी एक होते होंगे, बीच में कुछ ड्रिफ्ट हुई होंगी, और जो टेक्टोनिक प्लेट्स के उनके ऊपर नीचे होने के कारण डेड सी और रेड सी अलग अलग हो गए। ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और आपको एक बात तो पता होगा ना कि डेड सी का जो साइज़ है ना वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका कारण क्या है कि मेन नदियों से पानी आता था। एक नदी थी जॉर्डन रिवर, और दूसरी रिवर का नाम मैं भूल गया हूँ। उन नदियों के पानी को यहाँ पर एग्रीकल्चर में या फिर ह्यूमन यूज़ के लिए यूज़ होने लग गया, और उन नदियों का रास्ता डाइवर्ट कर दिया, और उस कारण से डेड सी को जो पानी मिलता था वो पानी मिलना कम हो गया, और धीरे धीरे डेड सी सूख रहा है। क्या एस्टिमेट है कि कब तक डेड सी खत्म हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से? क्या बता रहे थे, 2050 तक? हाँ, 2050 तक लिखा है। और इसी कारण से साल दर साल जो डेड सी की डेंसिटी है नमक की, वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, पीछे बचता है नमक, और वो जो पिछले बचा हुआ पानी है वो नमक उसमें और ज़्यादा मिक्सअप हो जाता है। अब डेड सी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जिंदा रह सकती हो, पेड़ पौधे ना मछली, कुछ भी नहीं। ये इस रिजॉर्ट का प्राइवेट बीच है ना? हाँ। तो यहाँ पे लगभग जितने भी रिजॉर्ट होंगे उन सबके प्राइवेट बीच होंगे? सब रिजॉर्ट का वहाँ पर है एक। हाँ, एक इधर है, एक थोड़ा है। आपको इस साइड भी रिजॉर्ट मिलेंगे, और जब आप इसराइल की तरफ घूमने जाओगे ना, वहाँ पे तो शायद मेरे हिसाब से इसी बड़े बड़े रिजॉर्ट बने हुए हैं। मेरे को हर चीज़ याद आ रही है पिछली वाली ट्रिप में, जब मैं सी के अंदर गया था, और भाई मैंने टेस्ट किया था, और एक बार गलती से मैंने आँखों के अंदर भी डाला था, और आँखों के अंदर क्या जलन हुई थी भाई, क्या बताऊँ आपको। बड़ा नेक्स्ट लेवल सीन था वो। यहाँ पे रख देते हैं, ये सही है। जो पब्लिक बीच का मज़ा होता है ना, वो पब्लिक बीच का ही है यार। यहाँ पे है ना सारी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड एकदम, जैसे एकदम फैशनेबल। ओला यू कान डू दिस, यू कान डू दैट। पब्लिक बीच के ऊपर ऐसे कच्चे के ऊपर ऐसे हाथ रखे खड़े हो जाओ, कोई देखने वाला नहीं है, एकदम मस्त तरीके से माहौल रहता है। अभी जाएंगे ना वहाँ पर भी, राइट? ठीक है, रिजॉर्ट के अंदर है ना सारी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, बड़ा सोफेस्टिकेट तरीके से आपको बिहेव करना पड़ता है कि अरे ये क्या करेंगे। और पब्लिक बीच के ऊपर नॉर्मल जनता भसूड़ी के साथ आती रहती है, और उनके साथ मजे मारो, कोई आपको वो नहीं कर रहा। यहाँ पे यार देखा है मैंने, एक तो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत डिसेंट बनना पड़ता है यार। अजीब सा हो जाता है मैं जब इन महंगे महंगे होटल्स के अंदर जाता हूँ, मैं नहीं रहता हूँ, समझ रही हो तुम? नहीं यार, नहीं यार, मुझे मेरी आइडेंटिटी वो नहीं कर रही ना, लूज नहीं कर रही। तो तुम्हारा आइडेंटिटी, यू कैन स्टिल कीप द सेम आइडेंटिटी। नो, मैं फिर यहाँ अजीब तरीके से बिहेव नहीं करता ना, जनता सोचेगी कैसे बिहेव कर रहा है ये। क्यों? हाँ, थोड़ा मैनर तो होना। हाँ, मैनर्स। पिछली बार मैंने ना मड बात नहीं ली थी, अब की बार मुझे मड बात भी लेनी है। हर चीज़ करनी है जो पिछली बार मैं नहीं कर पाया था। एक ऐसा था कि जब मैं फ्लोट करने गया था उस टाइम कोई नहीं था उस पब्लिक बीच के ऊपर, मैं अकेला बंदा था। बाद में तो शायद एक दो बंदे आ गए थे, लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक बंदे हैं। ऑलरेडी एक लेडी स्विम कर रही हैं, और पीछे भी शायद 2-3 बंदे और आ रहे थे जो यहाँ पे रिजॉर्ट के अंदर रुके हुए हैं। एक बात माननी पड़ेगी कि इस डेड सी के अंदर पानी की जो क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है।
अनुषा तो चली गई है। ठंडा है क्या पानी? लोग डेड सी के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले अंदर जाएंगे, एक डुबकी लगाएंगे, फिर वापस बाहर आएंगे, इधर वो डेड सी की मड पड़ी हुई है उस मड को अपने शरीर पे लेपेंगे, फिर वापस अंदर जाएंगे, फिर उस मड को उतार के वापस आएंगे, और यहाँ पे नमक पड़ा है ना, ये इस नमक का स्क्रब करेंगे बॉडी के ऊपर अंदर जाने से पहले। ये है यहाँ की स्पेशल मड जो हम लगाने वाले हैं, और इसके अंदर कुछ हीलिंग वीलिंग प्रॉपर्टीज़ है जो आपकी स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है। तो अब हम एक दूसरे के शरीर पे लपेट देंगे। अभी नहीं, फर्स्ट वो करना है फर्स्ट। अच्छा, ये पूरा जो नीचे ये नमक का क्रिस्टल, ये देखो ना, ये प्योर सोल्ट है एकदम। घर में लेके जाएं, सब्जी बना के खाएंगे इस नमक की। अरे नहीं यार, देख लो भाई, ये समंदर भी लगभग 30 से 40 साल में शायद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से डेड सी ड्राई हो रहा है साल दर साल। पानी साफ़ है एकदम, लेकिन इसका जो पानी है वो इतना ज़्यादा चिकना है कि क्या ही बताऊँ आपको। अरे मैं एक बार यार एक डुबकी लगा के आऊँ यार। ओहो ओहो, मजे नहीं आएंगे ना, बात ये है नहीं ढंग से। अरे यार प्लीज तुम करके दिखाना मुझे, ऐसे ऐसे बस हो गया यार। कितना आराम से कर रहे हो तुम, आ जाओ वापस। अभी कुछ नहीं होता यार, यार तो मुझे नहीं आता ना, मुझे स्विम करना ही नहीं आता, कुछ हो गया तो फिर जरूरत ही नहीं है ना। बस चिल देन। क्यों डर रही हो ना? मैं हूं ना यार, तुमको लेकिन पानी भी तो है ना। डरने की बात ही नहीं है ना, तुम साइंस अगेंस्ट थोड़ी जाएगी, तुम्हारे साइंस अगेंस्ट नहीं जाएगा, लेकिन मेरे माइंड तो जाएगा। जो बंदा मरा था ना उधर बीच में मरा होगा, यहाँ पे नहीं मर सकता कोई। हाँ ठीक है, लेकिन डर लग रहा है। शुक्राना बेबी, कुछ नहीं होगा यार, ये देखो। फिर मुझे टेंशन क्यों हो रहा है, फ्लोट ही होता है, ये फ्लोट हो रहा हूँ मैं, ऐसे ही फ्लोट। क्या ऐसे ही फ्लोट होते हो? अब देखो, अब नहीं, नहीं, अब नहीं, अब एक हाथ सीधा करो ना। नहीं नहीं नहीं, अभी हेड कितना, इतना? हाँ, अरे मत छोड़ो मत छोड़ो, मुझे छोड़ नहीं रहा हूँ। ये देखो तुम, अब फ्लोट हो रही हो, अब फ्लोट हो रही हो। देख लो, मैंने कहीं पे भी टच नहीं किया तुम्हें। अब क्या कर रहे वाली हो? अब ये डाल रही हूँ, ये लगा रही हो मड बार, क्योंकि फ्लोटिंग अच्छे से हो पाया नहीं। एक मिनट को मैं उधर देखता हूँ मड ज्यादा है क्या। क्रीम डाला था जी। तुम नहाने आ रही हो, तुम लिपस्टिक लगा के आ रही हो यार। अरे क्या बना दिया मुझे तो तुमने। माय न्यू स्किन केयर रूटीन। कि कितनी देर के लिए रखना है ये मड बाथ, बट इट स्टिल हैजंट डाइड। क्या अभी भी लगा रहे हो क्या तुम? ही इज ऑब्सेस्ड विद मड बाथ। बहुत ज्यादा हो गया यार, अब अजीब सा लग रहा है, अजीब सा फील हो रहा है कि इचिंग टाइप में। हां एकदम बूझे से लग रहा है तुमसे। भाई भूत बन चुका हूं, एक ऐसे तुमने ले गया एकदम। इस मड का लेप वेप लगा के मैं अब जा रहा हूं अंदर। ऐसा माना जाता है कि जो डेड सी की मड है इसके अंदर कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। पता नहीं, मुझे तो ब्लीचिंग होने लगी है यार। पुराने टाइम में भी जो इजिप्ट के अंदर ममीफिकेशन होता था ना, डेड सी का जो नमक है या फिर डेड सी की जो मड है उसका यूज़ होता था, और दुनिया का सबसे पहला हेल्थ रिजॉर्ट भी डेड सी के ऊपर बना था। अब ये कितना सच है कितना झूठ इसका मुझे आइडिया नहीं है। सबसे पहले मैं आया, मैंने डुबकी मारी, फिर बाहर गया, और बाहर से ये जो डेड सी की मिट्टी है, मड है, इसको उतारना है आपको इसी पानी से। ये काइंड ऑफ स्क्रब हो जाता है ना, स्क्रब तो ये नहीं है, ये मान लो लाइक स्क्रब तो वो है ना, सॉल्ट। बेबी क्या फेस पे मत करो ना, पानी फेस वाली लेकर आओ। ऐसे नहीं गया यार, गलती कर दी, अब आंखें नहीं खोल सकता। कहाँ से लाई तुम यार? किसी का बोतल में था पानी।
अब इसको फेस पे उड़ा लो। अरे रे हाँ। करो भाई अभी ओपन मत करना, आइस ओपन मत करना। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कहीं आपके आंखों में ना चला जाए। पिछली बार तो मैंने जब मैं अंदर गया मैंने आंखें खोल ली थी। सोच रही देख रही हो तुम अंदर जाने के बाद आंखें खोली मैंने। क्यों? मैं देख रहा था कि कितना पेन होता है। मैं पकड़ के रखूँ तुम्हें? हाँ। पानी। वापस से होटल के रूम के अंदर आ गए हैं। अब शावर लेना पड़ेगा क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ पर। मुँह जल रहा है एक तो मेरा बहुत तेज, और यहाँ पे पेट के साइड में भी जलन हो रही है। तो अब क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले शावर लूंगा और उसके बाद हमें निकलना भी है पेट्रा के लिए। ये हो गई मड शैम्पू, नहावा लेता हूँ उसके बाद फिर आपसे बातें करता हूँ। जो पूरा नमक वमक और जो कीचड़ वीचड़ लगा हुआ था ना सब उतार दिया है, और अब हमारी पैकिंग चालू हो रही है। अब बस थोड़ी देर में निकलना है। इस रिजॉर्ट के अंदर हमें मिनी बार में कोल्ड ड्रिंक्स मिली हुई थी, वो हमने निकाल ली है। क्यों छोड़ के जाए यार, जब आपके साथ आपको कॉम्प्ली मिनी बार फ्री है, और नहीं लगभग होटल्स के अंदर मिनी बार के लिए आपको पे करना पड़ता है। तो मिनी बार के अंदर ये चार कोल्ड ड्रिंक थी ये निकाल लिए हैं, यहाँ पे ये ग्रीन टी थी ये भी मैंने निकाल लिए। चीनी भी नहीं छोड़ के जा रहा हूँ अब की बार। तो तुम भी ऐसे करती हो क्या? यार तुमने फ्रेंड्स देखा नहीं है तो तुम्हें पता नहीं है ज्यादा। जिन लोगों ने फ्रेंड्स देखा होगा वो मुझे समझ पाएंगे। इधर भाई साहब आपका हबीबी, और ये तुम्हें क्या पहना है? ये हबीब क्या बोलेंगे इसको? चलो जल्दी तैयार हो फिर निकलते हैं यार। या हबीबी तुम कितना टाइम लगाती? शेख को बहुत गर्मी लगती। हाँ हाँ शेख को बहुत गर्मी लगती, जल्दी आ जाओ तुम। अब हम हमारे जो पेट्रा की तरफ की जर्नी है उसको कंटिन्यू करेंगे। मैडम चले? चलो। पेट्रा नहीं पहुंच पाएंगे फिर। अरे वो भाई क्या दे रहा है, इसे चाय ले जाते जाते। हम गए चाय लेमन जूस। लेमन या तू क्या दे रहे हैं भाई? ये लेमन जूस। या लेमन जूस। दिस इज मगरेब और तुर्की? दिस इज सूरी। सूरी हैं? सूरी सूरी। या ओके शुक्राना हबीबी। ये लो हबीबीज, पैकिंग वैकिंग सब हो गई है, सारी चीजें डाल ली हैं, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं पेट्रा की तरफ। लगभग ढाई तीन घंटे लग जाएंगे हमें यहाँ से पेट्रा पहुँचने में। रास्ते में जो पब्लिक बीच है वो भी आएगा, अगर टाइम मिला तो हम दिखाएंगे, नहीं तो नियर हम थोड़े लेट हो गए हैं निकलने में आज, तो इसलिए अब देखते हैं कि ये पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये था वो रिजोर्ट मूव एंड पिक जहाँ पर हम रुके हुए थे। अगला स्टॉप होगा पेट्रा।